राग का मीनिंग है सीरीज ऑफ म्यूजिकल नोट्स। रागमाला का अर्थ है रागों की माला या गार्लैंड्स ऑफ रागा। रागमाला की कविताएं या उन पर बनाई गई पेंटिंग्स म्यूजिकल नोट्स को वर्ड या पेंटिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करती हैं। रागमाला के इन्हीं वर्ड्स के बेस पर बनाई गई एक ब्यूटीफुल पेंटिंग आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल आर्ट एंड स्टोरी। आज मैं आपसे जो पेंटिंग शेयर करने वाली हूँ, इस पेंटिंग के ऊपर एक स्पेस में 2.5 लाइंस में देवनागरी स्क्रिप्ट में संस्कृत लैंग्वेज में रागिनी गौड़ी को डिस्क्राइब किया गया है और उसी डिस्क्रिप्शन के बेस पर आर्टिस्ट ने ये पेंटिंग बनाई है। तो पहले इन लाइंस को देखते हैं कि इनमें क्या लिखा है। ये लाइंस कहती हैं कि एक सुंदर लड़की जिसने उगते सूरज के जैसे ब्राइट कलर के कपड़े पहने हैं, वाइन पीने के कारण उसकी आंखें स्विम कर रही हैं, वह अपनी फ्रेंड्स के साथ आम के बगीचे में है जहाँ कोयले गाना गाती हैं। पेंटर ने यहाँ पर इन्हीं लाइंस के डिस्क्रिप्शन के बेस पर और डेफिनेटली अपनी लॉट्स ऑफ इमेजिनेशन यूज करके इस स्ट्राइकिंग पेंटिंग को बनाया है। आर्टिस्ट ने रागिनी को पेज के बिल्कुल सेंटर पर बनाया है और यहाँ इसने एक फ्लावर को अपने फोरहेड के पास रखा है। प्रोबेबली ये किसी अदर पर्सन के रेफरेंस में है या वो किसी को याद कर रही है। और साथ में इन पेड़ों के साथ उसके दो फ्रेंड्स भी बनाए गए हैं। इस लेफ्ट साइड की गर्ल ने हाथ में वीणा पकड़ रखी है और इस गर्ल ने वाइन का ग्लास पकड़ा हुआ है। चलिए पहले रागिनी की डिटेल्स देखते हैं। डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही आर्टिस्ट ने रागिनी के कपड़े ब्राइट ऑरेंज, रेड एंड येलो कलर के बनाए हैं और यहाँ पर इन्होंने कुछ स्कर्ट जैसा पहना है और देखने की बात है कि यहाँ पर इनकी ये चुनरी काफी बड़ी बनाई गई है। यहाँ एक बात नोटिस करने जैसी है कि पेंटिंग में बनाया गया सीन ऊपर लिखे डिस्क्रिप्शन से थोड़ा सा अलग है। शायद यहाँ पर आर्टिस्ट ने अपनी इमेजिनेशन से सीन को क्रिएट किया है, जहाँ आम के पेड़ों के साथ साथ कुछ और पेड़ों को भी बनाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फोरग्राउंड में बना हुआ पाम का ट्री और इस साइड में ये फूलों वाला पेड़ और इसी फूलों वाले पेड़ के साथ लिपटा हुआ ये बनियान ट्री और यहाँ आम के पत्तों के साथ पीपल के पत्ते भी दिख रहे हैं। जैसा कि डिस्क्रिप्शन में ऊपर लिखा है कि ये लड़कियां आम के बगीचे में खड़ी हैं, पर यहाँ आर्टिस्ट ने अपनी इमेजिनेशन से ये पिक्चर को और ब्यूटीफुल और रियलिस्टिक बनाने के लिए शायद आम के पेड़ों के साथ कुछ और पेड़ भी बनाए हैं। एक बात और भी यहाँ देखने वाली है कि आर्टिस्ट ने यहाँ पर पेंटिंग में कहीं पर भी कोयल नहीं बनाई है। आर्टिस्ट ने इन तीनों गर्ल्स के बॉडी स्ट्रक्चर को भी बहुत सुंदर बनाया है, जैसे कि ये नैरो सी वेस्ट, लॉन्ग टॉर्सो एंड एम्पल हिप्स। एक बात इस पेंटिंग में थोड़ी सोचने जैसी है कि देखने से ऐसा लगता है कि ये तीनों गर्ल्स आसमान में फ्लोट कर रही हैं, ये पीछे के स्काई ब्लू बैकग्राउंड के कारण। पर ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इस ब्लू बैकग्राउंड में गोल्डन कलर से ग्रास बनाई गई है। ऐसा लगता है कि ये किसी तरीके का कारपेट दिखाने की कोशिश की गई है या आर्टिस्ट ने कलर के साथ प्ले किया है, क्योंकि यहाँ आसमान में भी येलो कलर डाला गया है। ऐसा भी हो सकता है कि ये दिन के किसी स्पेशल टाइम को दिखाने के लिए ऐसा किया गया हो, शायद शाम का या सुबह का समय। इस सब के नीचे के ग्राउंड को देखिए, ये आर्टिस्ट की इमेजिनेशन ही है जिसने इस पथरीली सी जमीन को सॉफ्ट क्लाउड के जैसा बना दिया है, जिसमें ये पिकॉक चल रहा है और ये इन गर्ल्स की तरफ देख रहा है। पिकॉक के चलने से ये तो क्लियर हो जा रहा है कि ये सॉलिड ग्राउंड है, ना कि स्काई जिसमें कि क्लाउड्स बने हैं। रागमाला की ये सीरीज इनकम्प्लीट ही मिली है और इसीलिए इसका टाइम और प्लेस प्रिसाइजली नहीं बताया जा सकता है, पर ज्यादातर रिसर्चर्स इसे डेक्कन स्कूल की एक पेंटिंग बताते हैं। कुछ विद्वान इसे अहमदनगर का भी बताते हैं, पर सर्टेनली कह पाना तो मुश्किल है। ये पेंटिंग ओपेक वाटर कलर एंड गोल्ड में पेपर पर बनी है और लगभग 16 सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में बनी होगी और अभी ये लॉस एंजल्स काउंटी म्यूजियम ऑफ आर्ट में सुरक्षित है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको इस आर्टिस्ट का इमेजिनेशन देखकर, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और इस आर्टिस्ट का वर्क अच्छा लगा तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि इतिहास के पन्नों में दबे हुए ऐसे महान आर्टिस्ट को आज की दुनिया में थोड़ी सी पहचान मिल सके। हालांकि हमारे पास इस आर्टिस्ट का नाम तो नहीं है, पर हम इसके वर्क को तो कम से कम अप्रिशिएट कर ही सकते हैं। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।